जिस कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं और उसके जो पुष्कर जी इतना मधुर व्यवहार, इनका विचार और इनका कार्य वास्तव में मनुष्य का जो शुभ विचार है, शुभ व्यवहार है, शुभ कार्य है, वही उसकी पहचान, उसका सम्मान का द्योतक होता है। तो वास्तव में आजादी के 76वें वर्षगांठ पर हम लोग एकत्र हुए हैं और हमारे पुष्कर जी जैसे लोग ही सपना देखा था। तो जी उस समय देश जो है अंग्रेजों के आतंक से परेशान था, लोग परेशान थे। हर समय की काल की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। तो और समाज में बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि आदि ऐसे ही नौजवान लोगों ने इस भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिलाने का ठान लिया और इस तरह साधन सुविधाएं भी नहीं थी, सड़कें नहीं थी और कितनी परेशानी थी। और उन परेशानियों के बीच में हमारे महान पुरुषों ने अपना गला तक कटवाया, अपना बलिदान दिया। उस बलिदान का परिणाम है कि आज हम लोग अपने जो भी आज तक के जो पूर्वज हुए हैं या जो लोग राज सत्ता संभाल रहे हैं, उन लोगों की वजह से उस पीढ़ी के लोग भी बैठे हुए हैं। तो देखेंगे कि दोनों समय खाने का नहीं था, पहनने के लिए इतने अच्छे वस्त्र नहीं थे और साधन सुविधाओं का घोर अभाव था। और हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया, अपने माता पिता को भी कठिन मेहनत करते हुए देखा होगा, जिनके फल परिणाम में बढ़िया चलने के लिए सड़क हो गई है, बढ़िया सभागार हो गए हैं और भारत भौतिक रूप से बहुत तरक्की किया है, लेकिन नैतिक रूप से अब हमको तरक्की करना है। अब हम लोगों को अपने रिश्तों को पहचानना है और रिश्तों के साथ प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक, करुणा दया के भाव पूर्वक जीना है। तो अब जिंदा रहने वाले भाग पे हम लोगों ने काम कर लिया है, अब जीने का काम करना है। और जीने का काम बनावटी सजावटी से नहीं होता है, एकदम सहजता सरलता से होता है। जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं तो किसी के लिए कुछ बन ठन के थोड़ो निकलना पड़ता है, जैसे है वैसे हाजिर हो जाते हैं। जहां पे हमको बनावटी सजावटी दिखावटी कुछ करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, तो समझिए कि अभी रिश्ता नहीं है उनके बीच में। हाँ, तो एकदम सहज सरल होना है। तो आज यह संकल्प लेना है कि हम भौतिक रूप से समृद्ध होंगे और उसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन नैतिक भी बनेंगे। होता क्या है कि हम चाहे जैसे रहे बाकी सब लोग सही रहे, ऐसे चलता नहीं है। तो स्वयं से शुरू होता है और सब पर जाता है। तो हम लोग जहां हैं वहीं पर बढ़िया से काम करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे
और इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा और सबका मंगल कल्याण होगा। जय हो, मंगल हो, शुभ हो। भारत माता की, भारत माता की।